अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। हंसनी जैसा एस 100% भावना काकी नहीं लिखा है। आओ भावना देवी को अरेस्ट करवाओ। क्या आप इन्हें लेने क्यों आई हैं? आप बताइए ना। इन पर हेमंत और माखन को अगवा करने का इल्जाम है। तो ठीक छे। क्या बात ये है कि आप हमको बताइए कि हेमंत बाबू और मक्खन माँ को आप कहाँ छुपा के रखी हैं? मैं कबूल करती हूँ, मैं नहीं लिखा है। फिर तो माताजी आपको इंट्रोगेट करना ही पड़ेगा। क्या तंबूरा इंट्रोगेट करना पड़ेगा? सिर्फ ये तारीख लिखने से मैं किडनैपर हो गई? ये दोनों देख हैंडराइटिंग अलग है। तो किसी और से लिखवाया होगा। करेक्ट स्वीटी, हम कह रहे हैं कनपट्टी पे बंदूक रखो, अपने आप सब बोलेंगी। ओ हीरा मोती पिता, ऐसे थोड़ा मैं कोऑपरेट कर रही हूँ तो आप मेरे सर पे ही चढ़े जा रहे हैं। एक मिनट, अगर भावना काकी कह रही है कि इन्होंने तारीख के अलावा और कुछ नहीं लिखा, तो हो सकता है सिर्फ तारीख लिखा हुआ ये पेपर किसी और के हाथ लग गया हो। करेक्ट। आपके घर में और किसके हाथ लग सकता है? एक सेकेंड, हमारे दिमाग में दूध का दूध और दूध का दूध होने लगा है। ए स्वीटी, हटो जरा। दामाद जी, ये पेपरवा आपके पिताजी मतलब बसंत बाबू के हाथ भी तो लग सकता है। क्या बसंत बाबू के हाथ लग गया होगा पापा? अब कहना क्या चाह रहे हैं कि पापा जी ने माखन और अपने ही बेटे हेमंत को किडनैप कर लिया? हाँ भाई, तभी तो देखो ना कि कत्ते से सरक लिया यहाँ से। पापा जी माखन को अपने पास रखना चाहते हैं, ये सब हम जानते हैं, ये बात समझ में आती है। हाँ। लेकिन अपने ही बेटे हेमंत को वो किडनैप क्यों करवाएंगे? ताकि किसी और को उन पर शक ना हो। ऐसा हो सकता है? करता उड़ा दिया है बॉस। जिया बिहार के लाला। क्या बात है दामाद जी? इंस्पेक्टर साहब, किचन कहाँ है? मैडम जी, ये पुलिस स्टेशन है। देखिए बात को पलटिए मत। मैंने आपसे पूछा ना कि किचन कहाँ है, बताइए मुझे। मुझे आलू उबालना है। सही कहता है लोग, बेटी ब्याह के बाद पराई हो जाती है। मार दो अपने पापा को, तुमको क्या जरूरत है हमारा? तुम्हारा तो हो गया ना ब्याह। एक मिनट, इसके आलू उबालने से आपकी मौत का क्या कनेक्शन है? ये आलू उबालेगी ना तो पूरा थाना उबल जाएगा। अब बन जाओगे आलू। अरे आग लगा देगी बॉस। एक मिनट, होल्ड योर फायर। कोई कुछ नहीं उबालेगा। अब हम लोग कुछ काम की बात कर ले। लेकिन पापा जी पर कोई इल्जाम नहीं लगना चाहिए। इल्जाम तो लगेगा ही ना, क्योंकि थारे पास। ओ घोटाली, नींबू थोड़ा ठीक से रगड़। क्योंकि तुम लोगों के पास लॉजिकल वजह भी तो है माखन को किडनैप करने की, क्योंकि तुम लोग उसे अपने पास रखना चाहते हो। अरे ओझा अंकल, आप देख रहे हैं ना, हम में से किसी को कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। अरे हम खुद परेशान है उसे लेकर। और हम इतने बड़े एक्टर्स भी नहीं है ओझा अंकल, कि झूठ मूठ के आंसू बहाए। वर्षा भाभी, आप रोइए मत प्लीज। पापा, अगर इन लोगों को एक्टिंग करनी होती तो वो दौलत राम जी के सामने करते ना। हम लोगों के सामने एक्टिंग करने की जरूरत ही क्या है? और वैसे भी हम खुद हैं इनके फेवर में। तो फिर वो चिट्ठी लिखी किसने और उन्हें उठाकर ले गया कौन? कौन छोड़िए पापा। के बोल रहा है बेटा? तुम्हारे को तो पता है ना कि जब भी मैं थोड़ा परेशान होता हूँ तुम्हारे को भूख ज्यादा लगती है, और ऐसे में तुम्हारे को कौन छोड़ने की बात कर रहा है? पापा, मैं कौन यानी बुट्टा छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप ही ने पूछा ना कि माखन और हेमंत को कौन उठा के लेके गया, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि कौन छोड़िए, क्यों उठा के लेके गया वो सोचिए। यहाँ से सीधा सूर्यनगर रफू चक्कर होने के लिए, वो भी पूरा खानदान समेत। हाँ ऐसा हो सकता है, एक बार पहले भी जाने वाले थे वो अपने ग्रह। ग्रह? 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 ग्रह नगर मतलब कि होम टाउन, जो कि सूर्यनगर में। लेकिन फिर आधे रास्ते से वापस आ गए थे,
अगे मैया आराम से समर बाबू, इतना ही लाइएगा तो हथवा कबड़ के बिगा जाएगा। अरे ओ डबल ढोलकी, तेरी ये सोनू चांदू को लेने के लिए वो लोग वापस आए थे और तू उन्हीं की लुटिया डुबोने पे तुला हुआ है। ए सिटी, इसको ए लॉकअप में डाल दो एक खूंखार कैदियों के साथ में। ओ माता जी, क्या अंदर डाल दे लॉकअप में, जो ऑलरेडी अंदर लॉकअप में है वो खुद कितनी मुसीबत में, वो देखो। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, हमको हमारा सब गुनाह कबूल है साहब, और जो नहीं किया ना वो भी कबूल करते, लेकिन हमें इस थर्ड डिग्री टॉर्चर से बचाइए साहब। किससे? अरे तुमसे। किसको? अरे हमको। कब? अरे अभी। कहां से? यहां से। अरे अरे ओ एक मिनट, अरे बाप रे, इंस्पेक्टर साहब जल्दी फटाफट से डॉक्टर को बुला, लगता है इसे हार्ट अटैक आया है। अरे मैडम अब तक तो ठीक हूं, लेकिन पहले इसको यहां से हटाओ। पकलोल तो तुम हो, जवाब काहे दे रहे हो? अरे साहब जवाब नहीं देते फिर भी ये सवाल पूछती है, मानिए नहीं सकते हैं। देखना है आपको, देखना है आप लोगों को। एक मिनट चुप बैठना, ये देखो। क्या देखा? देखा आप लोगों ने? देखा, कुछ बोला भी नहीं फिर भी इनका चालू है। गला कौन साफ किया रे? मीका है बोल तो है। अरे माखन को किसने किडनैप किया वो तो बताओ मुझे। डफोड़ से डफोड़ एक नंबर नो। ए सिटी, हम क्या तंबूरा बताए तुझे, ये तेरा काम है। सिटी तू तो इस्तीफा दे दे। और दौलत भाई कान खोल के सुन लीजिए, घोटाला भाई बुद्धू है, अक्तल वगरने है, घनचक्कर है, हरक पदुड़े है, बकलोल है, लेकिन वो अपने पोते और बेटे को किडनैप नहीं कर सकते। तो फिर पुलिस के दिमाग से सोचूं तो कौन हो सकता है? हेलो, अगर अपने भाई और बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो 20,62,470 रुपया 80 पैसा तैयार रखना, फिर से कॉल करूंगा। हेलो हेलो, कट गया। लसुतायो, उसी का फोन था पापा जी, किडनैपर का। कुछ ही बोला। बोला कि एक मिनट, मैं अभी कॉलर ट्रेसर से ट्रेस करता हूँ। हाँ। बताइए कौन सी कहा? पापा जी बहुत ही जरूरतमंद और ईमानदार किडनैपर लगता है। सोनू चांदू जितने पैसों की जरूरत थी ना उतने ही मांग रहा था, 20,65,470 रुपए और 80 पैसे। क्यों? कंप्यूट लगे छा चाइला का हुआ ये बगा। चंद्रेश भाई राशन के पैसे दे दिए मैंने आपको पिछले महीने। हाँ, लेकिन 4 महीने पहले का बिल तो अभी बाकी है ना भद्रेश भाई। तो बोलो, 4 महीने पहले की बात 4 महीने पहले करनी चाहिए थी ना, सेम मजा आता। 4 महीने पहले मैंने फोन किया था भैरवी भाभी को, लेकिन उन्होंने रॉन्ग नंबर बोल के फोन काट दिया। चंद्रेश भाई जब आपने फोन किया था तब वो रॉन्ग नंबर ही था। जब आपने फोन किया तब आधे घंटे तक आप कैसे हो, बच्चे कैसे हैं, भाभी कैसी, ये कहकर बात करती रही, और जैसे ही मैंने बोला कि 4,700 रुपए बाकी है तो तुरंत रॉन्ग नंबर बोल के फोन काट दिया। हाँ तो 4,700 रुपए नहीं 4,800 बाकी थे, तो हुआ कि नहीं रॉन्ग नंबर? देखा, आप 4,700 बोल रहे थे और इसने बिचारी ने ईमानदारी से 4,800 बोला। तो पछी अब अगले महीने आके पैसा लेके जाना और साथ में दवाई भी लेके जाना। काका मुरली को पिछले हफ्ते बुखार हुआ था, आपको भी हो सकता है। कुतुब मीनार, काका मुरली को बुखार आया था तो इनको क्यों आएगा? क्योंकि जिस चाय को पीकर काका मुरली को बुखार आया था वही चाय इन्होंने भी पी है। बिबीर तो भद्रेश भैया जी को आने वाला है भैरवी। हाँ, इनको भी मिडिकियानी दे ही दो भैरवी। एक मिनट, धर राम दुलारी टाइम, मुझे क्यों फेवर आएगा? क्योंकि जिस नुमवीर से फिरौती के लिए फोन ही आया था ये साबित हो गया है कि वो नुमवीर आपके नाम से है। भद्रेश भैया जी अब तो आप पक्का अरेस्ट होंगे। काबा? हाँ बाबा, मेरा बाबा था फोन पे। ए सिटी, तुझे शर्म नहीं आती है मेरे बाबा पे झूठा इल्जाम लगाते हुए? लेकिन सिम कार्ड तो उसी के नाम पर रजिस्टर्ड है ना माता जी। सुनो स्वीटी, तुम जाओ गिरवान पकड़ के घसीट के लेके आओ पुलिस स्टेशन में, और तू लगाओ कान के नीचे, जितना खाया पिया होगा ना सब उगल देगा।
मेरे बाबा को क्या लावारिस समझा है? हेलो, किडनैपर का फोन है, स्पीकर फोन पे डालो, स्पीकर फोन पे। कल दोपहर 10 बजे रकम लेकर गोरेगांव के जयपुर गार्डन में आ जाना। दुपहरिया में 10 थोड़े बजता है, 10 भोरे बजता है। अरे आप एक नंबर के हरक पदुड़े हो दौलत भाई। कैसे हम नहीं समझे, जैसे कैसे? उसने अगर दोपहर के 10 बजे बोला तो समय रॉन्ग हुआ ना, नंबर कैसे रॉन्ग हुआ? ए सिटी, पता चला किसका नंबर है? ए बगा, ये तो आज तक का सबसे बड़ा के है। क्या देख रहे हो तुम लोग ऐसे? ओझा अंकल, दूसरी बार फिरौती के लिए फोन आया और वो सिम कार्ड आपके नाम से है। और लॉजिकली जहाँ पैसे पहुँचाने के लिए कहा है वो आपकी फेवरेट जगह है, जयपुर गार्डन। एग्जैक्टली, एड्रेस तो बढ़िया है, जयपुर पिंक सिटी, हमारे राजस्थान का सबसे बढ़िया शहर। लेकिन पापा, लेकिन अरे बेटा, मैं ऐसा घटिया काम करूंगा वो भी अकेले अकेले? मैं भावना भाभी जैसा स्वार्थी नहीं हूँ जो अकेले अकेले सारा माल। एक मिनट, हो सकता है आपने ये काम किसी और के साथ किया हो, क्योंकि पहली बात जब फिरौती के लिए फोन आया था वो भद्रेश भैया के सिम कार्ड से किया गया था। हाँ। शरद, मेरे पापा को अगर कुछ भी चीज चाहिए होती ना तो सामने से मांग लेते, आज तक उन्होंने 501 से ज्यादा मांगने की हिम्मत नहीं की। नालायक है तुम, विभीषण कहीं का। ए बेटा, ये हिम्मत वाली बात बोलने की क्या जरूरत थी? पैसे बारे बेटे ने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने आज तक किसी से 501 रुपए से ज्यादा नहीं मांगे। 20,65,470 रुपए और 80 पैसे वो मैं कैसे मांग सकता हूँ? एक मिनट, हो सकता है आपने ये काम पैसे के लिए ना किया हो, भद्रेश भैया के साथ शर्त लगाकर मजाक में किया हो। क्या बोल रहे हो शरद? जो खुद अपने बेटे की जुदाई के गम में सालों तड़पाओ वो दूसरे को क्या तड़पाएगा? हाँ। क्या? लॉजिकली तो मैंने सोचा ही नहीं भाभी, लॉजिकली मैंने लॉजिक लगाकर सोचा, बल्कि लॉजिकली मुझे इमोशनल होकर सोचना चाहिए था। शरद, हाँ? सिर्फ लॉजिकली ही इमोशनली नहीं सोचना चाहिए था, इमोशनली भी इमोशनली सोचना चाहिए। जंगल, लॉजिकली मैंने आप पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, अब माफ कर दीजिए। बेटा, हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है? पर अब जब इल्जाम लगा ही दिया है तो दे दे 501 रुपए हर जाने के तौर पर। पापा, मुरली भाई के सिम कार्ड से फोन आया, बाबा के सिम कार्ड से फोन आया। अरे बाबरे, और दौलत भाई आप अपनी जेब में ऐसे लाठी छुरी चाकू भाला ऐसे सब खतरनाक चीजें रखते तो इसको क्यों बाहर छोड़ रखा है? सिटी, उतने हीरा मोती का लाइसेंस है किसके पास? बापरे, तू काहे के लिए आ गई पगलिया, जाके चिड़िया उड़ खेलो ना कैदियों के साथ। ए, ओ भाई, ओ ये नहीं है। प्रश्नेश्वरी, एक काम कर, तू ना मोबाइल पे गेम खेल जा बेटा। किसके? ए सिटी भाई के, दे दोन भाई। दे नहीं। क्यों नहीं? दे दे स्वीटी, वरना हर जवाब के बाद एक सवाल झेलना पड़ेगा। ये लो बेटा। और मैं क्या कह रहा था माताजी, हो सकता है कि घोटाला के घर से जिस तरह आपके हाथ से लिखा हुआ कागज किसी के हाथ लग गया हो, वैसे ही भद्रेश और ओझा का मोबाइल फोन भी किसी के हाथ लग गया हो। और कौन चीज? बसंतवा के हाथ लगा होगा बॉस। अरे क्या बात कर रहे हैं आप दौलत भाई? देख स्वीटी, मेरे बाबा का मोबाइल किसी और के हाथ में आया हो ये बात एक बार मैं मान सकती हूँ, लेकिन मुरली भाई, अरे वो तो खुद ही अपने मोबाइल को हाथ नहीं लगाते तो दूसरे के हाथ में क्या तंबूर आएगा? मैया, बिना हाथ लगाए फिर नंबर कैसे डायल करते हैं? आज तक उन्होंने अपना मोबाइल इस्तेमाल ही नहीं किया है, हमेशा दूसरों का ही मोबाइल इस्तेमाल करते। मोबाइल सिम कार्ड से फोन आया, सिम,
याद आया, मेरे बाबा के नाम पे और एक सिम कार्ड आया था जिसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। मत रो, माखन और पूरी तरह लंबा घुटारा भाई आ जाएगा। हाँ, तू टेंशन ले, रो मत। त्रिश भैया जी, खबरी लाली आ गई। बताओ, इस बार क्या खबर लाई हो? आपका कार्ड किसी ने इस्तेमाल किया है। भाई, मेरा कार्ड अभी मैं खुद इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, और कोई कैसे इस्तेमाल कर सकता है? अरे भद्रेश भैया जी, हम इस कार्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम कार्ड की बात कर रहे हैं। कार्ड, साइन कार्ड, भैरवी, वो आपके सिम कार्ड की बात कर रहे हैं, जो आपके नाम पे आया था, जिसे मैंने फेंक दिया था। हाँ, और वही कार्ड शायद अगवा करने वाले के हाथ लग गया होगा। सिम कार्ड आया तो था, लेकिन भैरू, उसे फेंका क्यों तुमने? क्योंकि मैंने ही कहा था कि ये कंपनी वाले फालतू में एक्स्ट्रा सिम कार्ड्स बेचते रहते हैं। ये सब कचरा है बेटा, कचरा है। बराबर है भैरू, लेकिन फेंकने की क्या जरूरत थी? अरे कचरे को तो फेंकते ही है ना मितेश प्रीतेश के पापा। तेरे किटे था। ऐसा ही एक सिम कार्ड काका मुरली का भी आया था, मैंने उसे भी फेंक दिया था। लगा। हेलो हेलो बा, कैसी है आप? घर में सब कैसे हैं? अरे घर में तो तू है डपोल, मैं तो यहाँ पुलिस स्टेशन में हूँ। अच्छा, कैसी है आप? पुलिस स्टेशन में सब कैसे हैं? अरे पुलिस स्टेशन में सब कैसे, वो बाद में पूछना। तो बोलो बोल। देखो फोन काट दिया काटेश्वरी ने। रुको एक मिनट। हाँ लगा। तूने फोन क्यों काटा काटेश्वरी? बाप ने तो कहा कि पुलिस स्टेशन में सब कैसे है, बाद में पूछना। धा किट था। अरे मेरे कहने का मतलब था। अब वो बोलेगी कि बा, मतलब बाद में समझाने का क्या मतलब? अरे मुद्दे पे आइए ना माताजी। अरे हाँ भैया, आती हूँ। अच्छा कुड़ी, मेरी बात सुन ध्यान से। बाबा के नाम पे दो सिम कार्ड आए थे टोटल, है ना? हाँ, मितेश प्रीतेश के पापा के नाम पे दो सिम कार्ड आए थे। बराबर, तो वो दूसरा वाला सिम कार्ड कहाँ है बेटा? यहीं पे है, घर में। ओहो चकुड़ी, मैं फिर से पूछ रही हूँ। हाँ ध्यान से सुन बेटा, बाबा के नाम पे जो दूसरा सिम कार्ड आया था वो कहाँ है? यही मोबाइल में, जिससे मैं बात कर रही हूँ। एक मिनट। पहला सिम कार्ड कहाँ है? पहला सिम कार्ड वो तो मैंने फेंक दिया काका मुरली के सिम कार्ड के साथ। के कर रही है घोटाली? सब्जियां क्यों चढ़ा रही है भगवान को? भगवान भाव के भूखे होते हैं, भाव के। हाँ तो ये सब्जी मैंने सब्जी वाले से भावताल करके ही खरीदी है उजांकर। अरे भावताल वाला भाव नहीं, भावना भाभी में जो भाव होता है ना, वो वाला भाव। लेकिन लॉजिकली भावना आंटी तो पुलिस स्टेशन में, और वो आ भी गई तो भी हम उनका प्रसाद कैसे खाएंगे? हाँ अरे तू वो सब रहने दे, एक काम कर, ला ये मारे को दे दे, मैं इसका प्रसाद बना के खा लूंगा और इसका फल भी थारे को मिलेगा। ला दे। वर्षा भाभी, पापा, मुझे किडनैपर तक पहुंचने का सुराग मिल गया है। देखा, मैंने बोला था ना। पापा मैं बोलूं, भैरवी दीदी ने भद्रेश भैया और आपके दोनों के सिम कार्ड जो फेंके थे ना, वो किसी ने उठाकर उसका गलत इस्तेमाल किया है, और जिसने उठाए हैं उसकी फुटेज हमारे कॉलोनी के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, और वहां से मैंने वो निकाल कर मेरे फोन में लोड कर ली है। वेरी गुड यार, ये खुशखबरी भावना भाभी को भी दे दो। हेलो भाई, हेलो, मानव ने किडनैपर के बारे में सुराग ढूंढ लिया है, अब वो पकड़ा जाएगा। हेलो भाई, हेलो, कहाँ? कॉलोनी में। किस लिए? अरे भाई तेरी क्या, गाड़ी में चलो, सब बताते हैं। फिलहाल फोन मत दे दो स्वीटी जी को। दो 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 दो, चलो गाड़ी निकालो। अरे बाप रे, इसे गाड़ी चलानी आती है? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से। वो हमारे तबेला में वो दूध होता है ना, और मैंने उसी से सीखा है गाड़ी चलाना। गाड़ी चलाना तुमने दूध वाले भैया से सीखा है? हाँ, वो दूध वाले भैया ऐसे 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 दूध निकालते हैं ना, आता? तो गाड़ी में तो ऐसे ऐसे चलाते हैं ना। क्या हो गया? नहीं, आपको अगर ज्यादा जानकारी लेना है तो आप इसके साथ बैठ जाइए। क्या चढ़ाती है गाड़ी? थैंक यू पापा। क्या चलाती है गाड़ी? चलिए चलिए। हेलो हेलो भैया, एक मिनट। अरे एक मिनट माता जी,
कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे भाई क्या है तुझे, पूरा दिन इधर बैठ के तेरे साथ माथा पच्ची किया, तूने कुछ किया नहीं, सारा केस हमने यहाँ बैठे बैठे सॉल्व कर दिया। तो आपकी बेटी ने मेरे मोबाइल से एक नंबर डायल किया है मिस्टर दौलतराम जी। किसने? तुमने। हाँ तो क्या हो गया स्वीटी, छोटा छोटा बात के लिए पैसा लोगे, एसटीडी बूथ खोले हुए हो? अरे पर इतना तो पूछ लीजिए कि इसने किसको नंबर डायल किया है। किसको? किडनैपर को।